कांटों में घिरी कब्र सुनसान वीरान कब्रिस्तान में रास्ता तकती रही। ना तो फरार बेगम शाइस्ता आई और ना ही उन रिश्तेदारों की फौज का एक भी शख्स जो ता उम्र अतीक की काली कमाई वाली रोटियों पर पलते रहे। दरअसल माफिया सरगनाओं की कब्रें कुछ ऐसी ही होती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। बादशाह बादशाह होते हैं माफिया नहीं, लेकिन कब्रों की ना तो जात होती है ना बिरादरी। इंसान मिट्टी में मिल जाता है तो सब बराबर, क्या हिंदू क्या मुसलमान। एक दौर में बहादुर शाह जफर ने जब ये लाइनें लिखी होंगी तब क्या पता होगा कि किसी और दौर में यही लाइनें एक माफिया के ऊपर दोहराई जाएंगी। दो गज जमीन जरूर मिली अतीक को, लेकिन कहते हैं अपराध की काली दुनिया मरने के बाद भी प्रेत की तरह मंडराती है, और यही वजह है कि उसकी कब्र पर ना तो उसकी बेगम शाइस्ता पहुंच सकी और ना ही उसके दो नाबालिग बेटे जो जेल में हैं, और तीसरा बेटा असद एनकाउंटर में पहले ही ढेर हो चुका है। लेकिन ये कहानी शाइस्ता की है, अतीक अहमद की पत्नी जो 1 लाख इनामी बनने के रास्ते पर है, उमेश पाल केस में वांटेड है और एक ऐसे रास्ते पर लगातार भाग रही है जिसका अंत जेल में ही होता है। अतीक अशरफ के 40वें पर शाइस्ता के आने का अंदेशा जरूर था, इसलिए सुरक्षा का घेरा था, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। अतीक और अशरफ के कत्ल की खबर के बाद प्रयागराज पहुंची शाइस्ता, लेकिन तब पुलिस के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के चलते वो अपने शोहर का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी थी। हालांकि जब अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया गया तब दोनों के ससुराल वाले जरूर मौजूद थे। सुपुर्दे खाक से 40वें तक, सुपुर्दे खाक के दौरान अतीक के ससुर हारून और बहनोई उस्मान अहमद कब्रिस्तान में परिवार के बाकी लोगों के साथ मौजूद थे, लेकिन एक दिन बाद 17 अप्रैल की रात हारून और उनका परिवार रहस्यमय ढंग से घर को खुला छोड़कर फरार हो गया था। रहा सवाल शाइस्ता का, तो कहा ये भी गया था कि वो इद्दत में है, इस वजह से वो फरार चल रही है। इद्दत यानी वो प्रथा जिसके तहत पति की मौत के बाद महिला घर से बाहर 3 महीने तक नहीं निकल सकती, पराए मर्दों के संपर्क में नहीं आ सकती। खैर, शाइस्ता की पहेली अब तक पहेली है। बेटी का एनकाउंटर हो गया, पति और देवर की हत्या हो गई, वो खुद फरार है, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। जितने बार भी एसटीएफ उसका सुराग तलाशते हुए पहुंची, हर बार शाइस्ता चकमा देने में कामयाब रही। ऐसे में अंदेशा ये भी है कि वो अतीक के गिरोह यानी IS-227 की कमान संभाल चुकी है। लुकआउट नोटिस जरूर शाइस्ता के खिलाफ जारी हो चुका है, लेकिन आसार है कि वो विदेश भाग चुकी है। IS-227 की कमान शाइस्ता के पास। उमेश पाल का कत्ल 24 फरवरी को हुआ था। माना जाता है कि इसमें मेन प्लानर शाइस्ता थी, क्योंकि तब अतीक और अशरफ दोनों जेल में थे। इसी वजह से शाइस्ता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस। अब शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस, इनाम की रकम भी 1 लाख करने की तैयारी। फिर भी शाइस्ता फरार चल रही है, वो कहाँ है, देश में या विदेश में, इसकी कोई खबर नहीं। उसके मददगार कौन है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इतनी लंबी फरारी बगैर मदद के शातिर से शातिर क्रिमिनल भी नहीं काट सकता। खैर, इस कहानी का मैसेज साफ है, क्राइम की फसल काटने वाले बेशक राजा की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जैसे रोज सैलाब आता है तो जिंदगी रंग से भी बदतर होती है। जश्न तो छोड़िए, मातम भी नहीं मना पाते। कसारी मसारी में अतीक की कब्र यही कहानी कहती है।